बड़ी मुश्किल के साथ मैं आज अकेले चूरा चांदपुर पहुंची हूं। यहां बहुत खतरा है, यहां पे लगातार गोलीबारी हो रही है और मैं वो जो दो लड़कियां थीं जिनकी सेक्सुअल असॉल्ट की वीडियो वायरल हुई थी, जिनको सड़क पे नंगा करके चलाया गया था और उनके उसके बाद उनमें से एक लड़की के साथ गैंगरेप भी किया गया था, उनके परिवारों से मिली हूं, उनके हस्बैंड और उनकी माँ से मिली हूं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। बहुत दर्द में है वो लोग और बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है। और बहुत ही हैरानी की बात यह है कि अभी तक मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर के कैबिनेट मिनिस्टर्स, मणिपुर के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो तक उन लड़कियों से और उनके परिवारों से नहीं मिले हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि जब मैं दिल्ली से इम्फाल आकर चूरा चांदपुर पहुंच सकती हूं, तो ये जो सारे अथॉरिटीज हैं जो मणिपुर में ही रह रहे हैं, इम्फाल में रह रहे हैं, वो यहां आकर इन लड़कियों से क्यों नहीं मिल सकते। पूरे मणिपुर में इस वक्त आग लगी हुई है और हम जहां जा रहे हैं, चाहे वो इम्फाल हो, चाहे वो मोरांग हो, चाहे वो चूरा चांदपुर हो, सब जगह लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। लोगों के घर जला दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोरीज सामने आ रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मणिपुर सरकार से कि कब तक चलता रहेगा और मणिपुर सरकार क्या कर रही है। क्या वो ऐसे ही सोती रहेगी और लोग मरते रहेंगे? वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से अकेले हैं। मेरा ये मकसद था दिल्ली से यहाँ आने का कि मैं उन तक पहुंचूं और उनकी मदद कर सकूं और उन्हें ये महसूस कराऊं कि पूरा देश उनके साथ है। मैंने यही किया और मैं बहुत हैरान हूं ये देखकर कि उन्होंने इतनी समस्याएं फेस करी हैं, लेकिन वो फिर भी कोई दिल्ली से उनसे मिलने आया उसी के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार थे। तो मैं ये समझ नहीं पा रही, मणिपुर हमारे ही देश का एक अभिन्न अंग है, मणिपुर में मणिपुर की सरकार है, लोगों को मणिपुर की सरकार से इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि मणिपुर की सरकार काम क्यों नहीं कर रही, क्यों मुख्यमंत्री जाकर इन लोगों से नहीं मिलते, क्यों वो चूरा चांदपुर आकर इन लड़कियों से नहीं मिल रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मैं बस यही कहना चाहती कि पूरा मणिपुर, चाहे वो इम्फाल हो, चाहे वो मोरांग हो, चाहे वो चूरा चांदपुर हो, इन सब जगहों पे आग लग गई है, लोगों ने सब कुछ उनका तबाह हो गया है। तो ये जो मणिपुर सरकार है, क्या ये हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? ये कब एक्शन मोड में आएगी और इनकी जवाबदेही कब तय की जाएगी? मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री से मिलने का और मैंने समय मांगा है गवर्नर से मिलने का, लेकिन अभी तक मुझे समय नहीं दिया गया है। तो अब तो मुझे लगता है कि उन्हें मुझे बिल्कुल ही तुरंत बुला लेना चाहिए, क्योंकि जहां तक वो नहीं पहुंच पाए वहां मैं पहुंच गई।